हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, 70 लाख का रिटर्न। देखने में ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा भाई कैसे ऐसे कमाई हो सकती है, और वो भी 10 साल में। जरा सोचिए, 10 साल पहले यानी कि 2009 का टाइम फ्रेम, और इस स्टॉक ने मार्केट में एंट्री ही करी थी उस टाइम पे, और 1 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट किसी ने उस टाइम पे स्टॉक में की होती तो आज की डेट में उसके पास 70 लाख का रिटर्न होता। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उस टाइम पे ये माइक्रो कैप शेयर हुआ करता था, आज की डेट में भी ये स्मॉल कैप सेगमेंट में है। तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट का मौका है, ऐसा नहीं है कि चला गया है। ये शेयर अभी भी वैल्यूज में अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला है, और डेट फ्री स्टॉक आप इसको कह सकते हो, ना के बराबर उधार है, अच्छा प्रॉफिट कमाता है, अच्छा रिवेन्यू देता है। तो सोचिए ऐसा स्टॉक कौन सा हो सकता है। अब एक नज़र स्टॉक की डिटेल में जानते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अभी आपको बता दूं कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि इस बार कितना प्रॉफिट कमाया है वो भी जानते हैं, और साथ में इसकी टेक्निकल फंडामेंटल डिटेल सारी इस छोटे से वीडियो में जानते हैं। और आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी आती रहेंगी, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग थिंग्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ चैनल पर। हम बढ़ते हैं आगे। अब आप देखिए, ये स्टॉक का चार्ट है 2009 के टाइम फ्रेम पे, जुलाई अगस्त 2009 के टाइम फ्रेम पे। ऑल्दो ये 26-27 रुपये का शेयर, 27-28 रुपये के आसपास था, लेकिन मैं 30 रुपये के हिसाब से लेके चल रहा हूँ यहाँ पे हिसाब किताब। 30 रुपीज़ के आसपास अगर आप देखोगे उस टाइम पे हुआ करता था ये, और आज की डेट में ये 2100 का प्राइसिंग हो चुका है। कुछ स्टॉक का स्प्लिट हुआ होगा, बोनस वोनस वो सारा एडजस्ट करके ये प्राइस का चार्ट बना हुआ है। तो अगर हिसाब लगाया जाए सीधे सीधे तो 30 रुपये का शेयर आज की डेट में मान के चलिए 2100 के पास है। मैं एवरेज लगा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप हिसाब लगा लेना। 30 रुपये का शेयर जो है आज 2100 में है, 30 रुपया 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। आप सोचिए कि कितना गुना ये हो गया, डिवाइडेड बाय अगर आप 30 करोगे तो आपको हो गया ये 70 टाइम्स। कितना हो गया? 70 टाइम्स। बहुत ही बढ़िया, मुझे लगा भाई बहुत बेहतरीन रिटर्न। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए के शेयर उठाए होते तो आज की डेट में 70 लाख रुपए उसके पास बिल्कुल सेव होते ऐसे शेयर्स में। अब ऐसे ही शेयर्स को कहा जाता है मल्टी बैगर शेयर, वो आप भी जानते हो। अब आप कहोगे ये शेयर, अगर मैं अभी आपको नाम दिखाऊंगा तो आप ज़रूर इसको जानते होंगे, समझते होंगे। ये देखिए आप, अभी रीसेंट टाइम पे धीरे धीरे, अभी स्टॉक में पहले मैं नाम वाम बताने से पहले एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक में जो मैं बार बार कहा करता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम है, मैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक का टाइम फ्रेम आपको इसमें दिखा रहा हूँ। क्यों? गोल्डन क्रॉसओवर के चक्कर में। ये देखिए, गोल्डन क्रॉसओवर बना था, फिर डेथ क्रॉसओवर बना, अगली बार दोबारा मौका मिला था, फिर से गोल्डन क्रॉसओवर बना था, फिर डेथ क्रॉसओवर बना, फिर गोल्डन क्रॉसओवर बना था, फिर डेथ क्रॉसओवर बना। तो जब जब गोल्डन क्रॉसओवर इसमें देखने को मिला तो बढ़िया एंट्री का मौका। गोल्डन क्रॉसओवर कुछ नहीं होता, जो नए व्यूअर हैं, क्योंकि जो पुराने देखते हैं रेगुलर बेसिस पे उनको पता है कि गोल्डन क्रॉस क्या होता है। यहाँ पे मैं जो भी चार्ट आपको दिखाता हूँ, एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन होती है, आप अपने चार्ट पे भी इसको ट्राई करके देख सकते हो। और दूसरी जो ये ब्लैक वाली लाइन है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, दूसरी लाइन जो है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता है तो मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ में है, इससे नीचे आ जाता है तो थोड़ा सा वीकनेस में है। और जब ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करती है 200 डे मूविंग एवरेज को, अगली गिरावट जो होती है वो एंट्री का मौका। ये एक आप जनरल परसेप्शन, आप देखिए 70-80% टाइम पे ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। फिलहाल आगे चलते हैं स्टॉक के बारे में और डिटेल में जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का जो स्टॉक है, विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जिसका नाम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी देखिए स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ मूव कर रहा है, 10,000-11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी भी ये स्टॉक छोटा ही है, ये नहीं कि इतना बड़ा ग्रो करने के बाद, इतना रिटर्न देने के बाद बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा हो चुका है। बेहतरीन तो जनरली है ही है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन में, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी काफ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज 29% का, औसम मैं कहूँगा। और अगर मैं बात कर रहा था जैसे डेट की बात कर रहा था मैं, देखिए ना के बराबर का डेट है, मात्र 3.5 करोड़ का डेट इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन में, मैं कहूँगा ना के बराबर डेट है। प्राइस देखिए ऑलमोस्ट 2100 के आसपास है, पी रेशियो देखिए 35 के आसपास है, और थोड़ा सा पी अभी आपको ऊपर लग रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी रीजनेबल पी पे ट्रेड कर रहा है, और पीजी रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है। और साथ में अगर मैं सेल्स ग्रोथ देखूँ तो ये देखिए आप 20% के पार की सेल्स ग्रोथ है, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, और फेस वैल्यू 2 रुपये का। अब स्टॉक ने कई बार
स्टॉक देखिए फेस वैल्यू 2 रुपये आ गया, मतलब स्प्लिट भी हो चुका है। अब आप समझे जिसने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया, अगर कोई व्यूवर जिसने इस स्टॉक को लिया है बहुत पहले और खूब रिटर्न वो कमा चुका है, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं ऐसे व्यूअर्स को, हम भी देखें कौन ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस स्टॉक के बारे में पहले से उन्होंने इसको खरीदा है और खूब माल इसमें कमाया, क्योंकि जिसने भी खरीद के रखा होगा और अगर उसने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड किया तो जरूर उसने माल कमाया होगा। अब ये देखिए एक नज़र प्रॉफिट पर देखते हैं किस तरीके से सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप 2008 से लेकर अब तक देखते आइए, जब भी आप कोई स्टॉक देखते हो समझते हो, मैं हमेशा बार बार हर वीडियो में ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी आप जरा ये सोचें उसकी अगर स्टॉक की सेल्स बढ़ रही है, ऑल दो कुछ केसेस आपको ऐसे मिलेंगे वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, कई बार आंकड़ों में गड़बड़ी एंड ऑल होता है, ये चीज़ फैक्ट्स हैं, ये होता है, तो वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन जनरली आप कोई शेयर खरीदें तो ये चीज़ जरूर देखें, ये चीज़ जरूर समझें, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, सेल्स बढ़नी चाहिए, बेसिक थंब रूल ये समझा लें अपने आपको कि भाई सेल्स बढ़ रही हैं तभी मैं खरीदूंगा, भाई प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तभी मैं खरीदूंगा, और एक आध क्वार्टर अगर बीच में गिरावट आती है ना तो वो एंट्री का मौका होता है, आप रेगुलर बेसिस पे देखें उसको, हाँ भाई मार्केट में लग रहा है भाई वैल्यू। अब इसकी देखिए खुद देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है, बहुत ही बढ़िया, कभी 15 करोड़ का प्रॉफिट था, आज की डेट में 300 करोड़ का प्रॉफिट है, तो स्टॉक का प्राइस तभी बढ़ेगा जब प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई लोग इसमें तब इन्वेस्ट करेंगे जब इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, बस ये तो हो गया बहुत। अब आज की कमाई की बात करते हैं, आज की डेट 12 नवंबर 2019 अभी 3:45 बजे के आसपास रिजल्ट आया है, सीधे आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और रिजल्ट कैसा रहा उस पर बात करते हैं। रिजल्ट जो विनीति ऑर्गेनिक्स का इस टाइम पे रिजल्ट रहा है, मैं क्लियरली आपको रिजल्ट के बारे में ये नंबर्स यहाँ पे देख के बताता हूँ, आप इसमें देखें और समझें अपने एंड पे इस रिजल्ट को एनालाइज करें क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। ये सारी फिगर्स जो हैं वो हैं लैक्स में, तो हम इनको करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। ये रिजल्ट जो मैं देख पा रहा हूँ 302 करोड़ की टोटल इनकम थी पिछले साल, इस बार ये होगी 256 करोड़ की, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कितना, ऑलमोस्ट मैं इसको कहूँगा 50 और 4, मतलब कि ऑलमोस्ट ये मान के चले कि 50 करोड़ के आसपास का इसमें गिरावट दिख रही है टोटल रिवेन्यू में, ये आप देख पा रहे हो सीधे क्लियरली, देखिए पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार भाई, लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पिछले साल सितंबर के कंपैरिजन में नहीं, जहाँ के मैं डेट देख पा रहा हूँ ये जून 2019 के कंपैरिजन में, ये डेट को देखें आप क्लियरली, ऊपर वाली डेट को देखें, ये जून 2019 30/6/2019 यानी कि जून 2019 के कंपैरिजन में ये 50 करोड़ की गिरावट है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सितंबर 2019 की तो वहाँ पे कितना रिवेन्यू हुआ था, तो 26,354 उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा 26,354 से ये आया है आपका सीधे सीधे 26,354 यानी कि 263 करोड़ और ये हो गया 256 करोड़, तो यहाँ पे क्लियरली 4 और 3 7 करोड़ की गिरावट यहाँ पे भी है, मतलब गिरावट क्लियरली देखने को मिल रही है, ज़्यादा नहीं है, फ्लैट है, 7 करोड़ की गिरावट फिर भी है पिछले साल सितंबर के कंपैरिजन में। जनरली अगर आप देखें तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे, अगर मैं इतने रिजल्ट आपके साथ बोलता रहता हूँ, तो यहाँ पे सितंबर का डाटा इधर होता है और फिर जून का, फिर उसके बाद 2019 का ये डाटा इधर होता है, लेकिन यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ मैं ये वाली फिगर जो सेंटर वाली फिगर है ये लास्ट ईयर सितंबर की है, ये जून की है और ये अभी लेटेस्ट सितंबर की है, तो 7 करोड़ का पिछले साल के कंपैरिजन में गिरावट है रेवेन्यू में और 50 करोड़ पिछले यानी कि जून के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 103 करोड़ का है, जो कि पिछले साल नहीं, ये जून में 124 करोड़ का था और यहाँ पे जो 98-99 करोड़ का था, तो टोटल सीधे सीधे लगा दिया जाए तो 4 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, तो फ्लैट कहूंगा मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इन्होंने एक्सपेंसेस में बचत करी है, पिछले साल के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस में बचत करी है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स जो देख रहे हो आप वो 110 करोड़ का है, तो नेट प्रॉफिट 110 करोड़ का है, क्यों, क्योंकि टैक्स एक्सपेंसेस में बचत की वजह से 110 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखा है, बहुत ही बढ़िया, जो 4 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो दिख रहा था वो आपको 110 करोड़ का, पिछले साल सितंबर में ये 65 करोड़ का था, तो मुझे यहाँ पे टैक्स की वजह से बड़ा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है और टैक्स की वजह से ये प्रॉफिट बढ़ के सीधे 65 करोड़ से 110 करोड़ चला गया, यानी कि 35 और 10 45 करोड़ का फायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्लियरली, जिसका मेन रीजन टैक्स है, इसीलिए लोग टैक्स की कटौती में खुशी खुशी इतना उछल रहे थे, ये कारण था। यही अगर जून की बात करूँ तो जून में 82 करोड़ का प्रॉफिट था, तो क्लियरली भाई प्रॉफिट में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और मेन कारण है टैक्स। अर्निंग पर शेयर जो 12 रुपये का था वो 21 रुपये के पार और जून में था 16 रुपये, तो मुझे लगता है भाई बहुत ही बढ़िया ये रिजल्ट आया है जिसमें मेजर हाथ जो है वो टैक्स का है। अब इस स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया गोल्डन क्रॉसओवर इसमें बना था जून 2018 में, पिछले साल जब मार्केट गिर रही थी तो यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ दिखा,
गोल्डन क्रॉसओवर बनने के बाद शेयर ने दो बार एंट्री का आपको मौका दिया। तो ऐसी चीजें आप समझें और अपने जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आपके लिए मदद कर सकते हैं, एक पैरामीटर हो सकता है काइंड ऑफ। देखिए दो बार इसने मौका दिया, 923 और 920, 900 के लेवल पे भी ये शेयर आप खरीद पा सकते थे अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो। और उसके बाद जो रिटर्न इसने दी है, यानी कि जून 2018 से लेकर अब तक ये 2100, यहाँ पे जो रिसेंट हाई बना है वो 2400 के लेवल का हाई बना है, बहुत ही बेहतरीन। विनीति ऑर्गेनिक्स की हमने बात करी रिसेंटली, मंडे को ₹16 का जंप इसमें देखने को मिला है। अब ऐसे प्रॉफिट के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? ऑल दो रिवेन्यू में थोड़ा कमी देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स हल्का सा बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स ही मेजर रोल है, उसकी वजह से शेयर जंप किया। मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड का बड़ा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का बड़ा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। उसके अलावा जो मेजर प्रोमोटर हैं वो देखिए, विरल सरफ मित्तल जी और साथ में सुचिर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मेजर प्रोमोटर यहाँ पे 46% की उनकी होल्डिंग है। कविता सरफ और विनोद सरफ जी, ये भी मेजर प्रोमोटर है, 12% और 13% के होल्डिंग के साथ साथ। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक मुझे लगता है ये स्पेशलिटी केमिकल्स का, और फाइनल डिविडेंड जरूर देता है कुछ ना कुछ। बात करते हैं बोनस की, तो 2007 में बोनस दिया था, और बात करते हैं हम स्प्लिट की, तो 2009 में ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था। तो ये आपने देखा लेटेस्ट रिजल्ट विनीति ऑर्गेनिक्स का, ये वो स्टॉक है जिसने आपके पैसे को पिछले 10 साल के अंदर आपके 1 लाख को 70 लाख में कन्वर्ट किया। प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे मेजर हाथ है टैक्स का। तो ये कंक्लूजन था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।